ये देखिए गाइस, यम्मी टेस्टी आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्जी, जो कि बच्चे हों या बड़े इसको खाए बिना रह नहीं सकते हैं। इतनी टेस्टी लगेगी और बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी, बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये हमने नई ट्रिक से कैसे बनाया है करेले की सब्जी, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्जी। तो ये देख सकते हैं, ये एक ट्रिक हम इसमें बताएंगे जिससे कि इसका कड़वापन बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, करेले बहुत अच्छे लगेंगे, बच्चे भी खाएंगे। तो ये देखिए, करेला ले लिया है हमने, ये हमारा हाफ के जी करेला है। और ये देखिए, इसको पीलर की सहायता से हल्का सा छील लिया है और फिर हम इस तरह से क्यूब में कट करेंगे। ये देख सकते हैं, तो इस तरह से सारा का सारा हम कट करके रख लेंगे। और आप देखिए, ये हमने कट करके रख लिया है। और अब इसमें हम क्या करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट यानी नमक, इसको हम ऐड करेंगे 2 स्पून के करीब, क्योंकि नमक ज़्यादा ऐड कर रहे हैं जिससे कि इसका कड़वापन निकल जाए, इसमें मॉइस्चर रिलीज़ हो जाए। तो देखिए, इस तरह से मिक्स कर देंगे अच्छे से और ढक करके आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारे करेले जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और करेला अपने जूस को छोड़ देंगे, इससे इसका जूस निकल आएगा बाहर। तो ये देख सकते हैं, आधे घंटे बाद मिलते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने 3 से 4 प्याज कट कर लिए हैं, मीडियम साइज़ के प्याज थे। तो आप भी अपने हिसाब से प्याज ऐड कर लें, अगर स्किप भी करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, हमने करेले ले लिए हैं और करेले में पानी देखिएगा भी कितना इसमें जूस निकला हुआ है, ये देख सकते हैं कितना सारा जूस है इसमें। तो इसी जूस को बस निकालना है हमको। तो अब देखिए हमें कैसे इसके जूस को निकालना है। तो इस तरह से हाथों की सहायता से इसको हम निचोड़ लेंगे, ये देखिए इस तरह से करेंगे और इसका सारा जूस निकल आएगा। देखिए कितना जूस निकल रहा है, हम इसको निचोड़ रहे हैं तो कितना सारा जूस निकल रहा है। तो बस इसी तरह से हम इसको निचोड़ कर इसके जूस को निकाल लेंगे। देखिए कितना सारा जूस निकल कर आया है, सारा जूस। इसको हम फेंक देंगे, अगर आप पीना चाहते हैं तो आप पी भी सकते हैं, मगर इसमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसे फेंक देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से करते हुए हम 2 से 3 बार धुल लेंगे अच्छे से, जिससे कि थोड़ी बहुत जो कसर है, जो नमक है, जो एक्स्ट्रा नमक है हमारे करेलों में, वो भी निकल जाए और करेले अच्छे से धुल जाएँ। तो ये देखिए, अच्छे से धुल करके निचोड़ करके ले लिए करेले। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं गाइस, हम अपना ले लेंगे ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल है, क्योंकि करेला वगैरह मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छा लग बनता है। तो इस वजह से हमने 5 से 6 स्पून हमने ऑयल डाला है, क्योंकि इसमें ऑयल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये इनमें हम पानी वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे इसलिए। तो देखिए, इसमें अच्छी हीट आने लगी है, खूब अच्छे से धुआं आने लगा है। तो ये देखिए, इस तरह से हम प्याज को डाल देंगे इसमें, जिससे कि ये हमारा फ्राई होगा। तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का वाइट हो जाए प्याज, ट्रांसपेरेंट दिखने लगे, बस इतना ही हमको करना है। तो ये देखिए, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा इसको ट्रांसपेरेंट करने में। तो उसके बाद में हम इसमें करेले ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं, बहुत सिंपल, कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे प्याज के हिसाब से, कि हमारे प्याज में कितना नमक लगेगा उसके हिसाब से, क्योंकि करेलों में नमक था, हमने इतना धुला है, फिर भी करेलों को जितना नमक चाहिए उतना उसने सोख कर लिया था, इसलिए नमक की मात्रा समझ के कम डालनी है। और इसको हम कर लेंगे ट्रांसपेरेंट। तो देखिए, आप ट्रांसपेरेंट हो गया है हमारे प्याज। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे करेला अपना, जो कि अच्छे से पकाएंगे। तो अब इसमें नमक की नीड तो है नहीं, क्योंकि करेला में भी नमक है और हमने प्याज में तो ऐड ही किया था नमक, तो इसलिए हम अब ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ हल्दी पाउडर डालेंगे स्वाद के अनुसार, या 1/2 टेबल स्पून आप डाल दीजिए हल्दी पाउडर। और अब इसे हम मिक्स करते हुए पका लेंगे। देखिए, इस समय पर अगर आप डालना चाहते हैं तो अमचूर पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, हम बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। तो देखते रहिएगा, आगे और भी कुछ सीक्रेट ट्रिक देंगे आपको कि आप इसके साथ और क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हम सिर्फ मिक्स करके अच्छे से और ढक करके इसको हमें कुक करना है, अच्छे से कुक करना है, जिससे कि ये अच्छे से करेले हमारे पक जाएं और ये सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से प्लेट से हम ढक देंगे, कवर कर देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो बीच बीच में हम इसे स्टर भी करते जाएंगे
और जैसे कि तली में चिपके नहीं, क्योंकि इसमें हम पानी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, तो इस वजह से तो इसको हम बीच बीच में चला करके फिर से ढक देंगे। तो ये देखिए लगभग 5 मिनट लगेगा इस करेले को बनने में इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं हमारे करेले कुक हो चुके हैं। एक बात और गाइस, अगर आप इसमें डालना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा सा चीनी या गुड़ भी ऐड कर सकते हैं इसी जगह पर, मगर हमने वो ऐड नहीं किया हुआ है, हमने सिंपल बनाया है, ठीक है। तो इसको देखिए थोड़ा सा और फ्राई कर लिया है, देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप चाहे तो, अगर आप इतना फ्राई नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा कम फ्राई पर ही उतार सकते हैं, मगर हमें थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई अच्छा लगता है, घर में ज़्यादा फ्राई अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, बन चुका है हमारा करेला। तो अब इसे हम करेंगे सर्व, क्योंकि ये करेला इस ट्रिक से आप बनाएंगे ना तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो देखिए कितना यम्मी और कितना टेस्टी लग रहा है हमारा करेला, और बच्चे तो बस ऐसे ही मांग मांग कर खा लेंगे। तो अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और हमें अपने कमेंट के द्वारा बताएं कि आगे हम आपके लिए कौन कौन सी रेसिपीज़ ले करके आएँ। और प्लीज़ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।